हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज मैं लेके आई हूँ गाइस चने की चाट। चने की चाट बनाने के लिए गाइस मैंने इसको नाइट में भिगो दिए थे चने के लिए, और चने को भिगने के लिए गाइस कम से कम 4 घंटे की चाहिए होते हैं। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये 4 घंटे हो चुके हैं और ये भीग चुका है। और चना इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब दबा के देखेंगे तो ये परफेक्ट बहुत ही आराम से दब जाता है। अगर ये टाइट होगा तो चना जो है अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से गाइस इसको बॉयल कर लिए करेंगे और इसको भी 2-3 पानी से धो लेंगे। तो क्या करेंगे गाइस, इसको 2-3 पानी से धो लेंगे और ये पानी जो है इसको फेंकेंगे और इसको 4 पानी से कम से कम धोएंगे। सो गाइस चने को मैंने धो लिया है और इसको पानी को इस तरीके से निकाल लिया और इसको 2-3 पानी से धो लिया और इसे जल्दी से निकाल देंगे पानी ताकि इसमें ना रहे। और ये साफ आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी कंकड़ वगैरह ना हो, पहले ही आपको देख के ही भिगोना है। तो गाइस ये पहले ही मैंने देख लिए थे कि कंकड़ वगैरह नहीं है और इस तरीके से मैंने सफाई से भिगो के और इसको धो लिया है। अब चलते हैं गाइस गैस की तरफ। सो गाइस आप नए हो मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। सो गैस को ऑन करेंगे और इस पर कुकर रखेंगे। कुकर गर्म हो चुका है, इसमें गाइस डालेंगे 1 छोटा चम्मच ऑयल, कड़वा तेल गर्म करेंगे। तेल गर्म हो चुका है और इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, जीरा और ये चने जो हैं इसमें ऐड कर देंगे। एक चुटकी डालेंगे गाइस इसमें मीठा सोडा, तो मैंने 1 चुटकी दे रही हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं रखनी है। इसे बहुत जल्दी चना गल जाता है और ज़्यादा आपको नहीं पकाना पड़ेगा, वैसे ज़्यादा चुटकी लगानी पड़ेगी। अगर आप 1 चुटकी सोडा, मीठा सोडा अगर ना हो तो बेकिंग सोडा भी आप ले सकते हैं, तो वो आप डाल देंगे तो चने बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। इसमें डालेंगे गाइस 1 कप पानी ताकि ये जब सीटी आएगी तो ये जले नहीं। और इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, तो डाल दिया है, आप चाहें तो टर्मरिक पाउडर डाल सकते हैं हल्का सा। मैं लाल मिर्च थोड़ी सी डाल रही हूँ, आधा टी स्पून से कम धनिया पाउडर, आधा टी स्पून से कम गरम मसाला। अब इसको मिक्स कर देंगे। टर्मरिक पाउडर आप लेना चाहें तो डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें ढक्कन बंद कर देंगे और इसमें गैस कम से कम 4 सीटी लगाएंगे। 4 सीटी के बाद गैस को तुरंत नहीं, कुकर को तुरंत नहीं खोलना है, गैस को ऑफ कर देना है। तो गैस मिलते हैं 4 सीटी आ जाने के बाद और कुकर ठंडा जब हो जाता है। सो गैस कुकर को मैंने खोल लिया है और ये मैंने 5 सीटी लगाई थी और जब ठंडा हो गया तब इसको खोल लिया है। और ये चने आप देख सकते हैं कि चने इस तरीके से दबाएंगे तो ये आसानी से दब रहे हैं, तो ये चने बन के तैयार हो जाए। सो गाइस जब बनाएंगे चने की चाट, तो चाट बनाने के लिए गाइस 1 प्लेट में चने को निकाल लेंगे। इसमें डालेंगे गाइस हरी मिर्च, हरी मिर्च के मैंने बीजे निकाल दिए हैं और इसको महीन महीन काट लेना या फिर आप बड़े पीसेस रखिएगा जैसे आपको पसंद हो उस हिसाब से। अब इसमें डालेंगे गाइस बारीक कटा हुआ प्याज, इसमें डालेंगे गाइस नींबू, नींबू के बगैर तो टेस्ट नहीं आएगा। गाइस नींबू ले लेंगे और इसको बीच से काट लेंगे, तो नींबू की कटिंग काटेंगे। नींबू को गाइस आप देख सकते हैं कि जब इधर से नहीं काटते हैं और ना ही इधर से काटते हैं तो बीच भी सेंटर से काटा जाता है। तो गाइस नींबू को काटने के लिए इस तरीके से काटेंगे और नींबू जब कभी भी काटिएगा तो ऐसे करके नहीं काटिएगा, वैसे नींबू काट लिए हैं। अब इसमें बीजे निकाल देंगे नींबू के, बीजों को गाइस निकाल देना है नहीं तो ये बीजे चाट में आ जाएंगे तो खाने में बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगते हैं। आप देख सकते हैं मैंने बीजे निकाल दिए हैं, एक आध उसके अंदर होगा तो ये निकल आएगा। अब इसमें नींबू निचोड़ देंगे, 2 बीजे आ गए हैं इसमें, इसको निकाल देंगे।
एक चुटकी डालेंगे गाय जिसमें चाट मसाला, अगर चाट मसाला ना हो तो जलजीरा मसाला भी डाल सकते हैं। अब डालेंगे टेस्ट आने के लिए गाय काला नमक एक चुटकी। काले नमक से गाय टेस्ट और ही ज़्यादा दुगना हो जाता है। अब चाट बनके तैयार हो चुकी है गाइस। आप चाहें तो हरा धनिया लेना चाहें तो ले सकते हैं अगर अच्छा लगा हो, अगर बच्चों को नहीं पसंद है तो आप ना लीजिएगा। तो इस तरीके से चाट गाइस बन चुकी है और बनाइएगा चने की चाट चटपटी। ऑलरेडी मिर्च तो मैंने पहले ही डाल दी थी बनते पे ही, तो बनाइएगा। और गाइस आपको भी चने की चाट की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। और एक मेरा चैनल शॉर्ट्स वाला है गाइस, मैं कम्युनिटी बॉक्स में आप जाएंगे तो मैं नोटिफिकेशन दी है उसमें, तो उसमें आप देखिएगा और मेरे चैनल को शॉर्ट्स की वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 थैंक यू, बाय, राधे राधे।